आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। हरियाणा के फतेहाबाद में डिपो होल्डर्स द्वारा किया गया प्रदर्शन। पपीहा से लेकर लघु सचिवालय तक निकालेंगे रोष मार्च। केरल और तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर सार्वजनिक वितरण लागू करने तथा मासिक मानदेय फिक्स किए जाने की मांग को लेकर जिले भर के डिपो होल्डर्स ने ऑल फेयर प्राइम शॉप डीलर फेडरेशन हरियाणा के बैनर तले शहर भर में प्रदर्शन किया। डिपो होल्डर ने सुबह पपीहा पार्क में एकत्रित होकर रोष मार्च निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर उन्होंने सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन कर रहे डिपो होल्डरों का कहना था कि डिपो होल्डरों की माली हालत बहुत ही दयनीय है। कमीशन प्रणाली से डिपो होल्डरों का घर का गुजर बसर नहीं हो रहा है और इस बात को लेकर कई बार सरकार तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं मगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। डिपो होल्डरों ने मांग की कि सरकार केरल और तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू कर मासिक मानदेय सुनिश्चित करे। डिपो होल्डर ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले चुनावों में वे सरकार और पार्टी का बहिष्कार करेंगे। सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आज जो हमारा हरियाणा का डिपो होल्डर है वो बहुत ही तंगहाली से गुजर रहा है। सरकार ने हमारी मांगों पे किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया, जबकि हमने बार बार सरकार को अवगत करवाया है कि आज जो कमीशन प्रणाली है उससे हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा एक परिवार के गुजारे के लिए मासिक मानदेय, जैसा कि तमिलनाडु और केरल सरकार ने अपने प्रदेश में लागू कर रखी है, वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली हम चाहते हैं कि सरकार हरियाणा में भी लागू करे।